अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाएंगे चॉकलेट गिनाश से हम किस तरह केक को कवर करते हैं फॉन्डेंट लगाने से पहले। ये देखिए मेरा चॉकलेट मॉइस्ट केक है। हम इसकी ही चॉकलेट गिनाश से फ्रॉस्टिंग करेंगे। हम इसको इक्वल साइजेस में काट लेंगे, जितनी भी लेयर्स हम केक की करना चाहते हैं उसमें हम इसको कट कर लेंगे। और इसकी लेयरिंग में जो भी फ्रॉस्टिंग आपको पसंद हो या आपकी क्लाइंट की डिमांड हो, आप वो फ्रॉस्टिंग इसकी लेयरिंग में कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने केक बेस के ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट गिनाश लगानी है और अपना उसके ऊपर हम केक स्लाइस रखेंगे और लेयरिंग के अंदर फ्रॉस्टिंग कर लेंगे, जो भी आपकी मर्जी हो। आप इसके अंदर चॉकलेट गिनाश की भी कर सकती हैं। ये देखिए केक मेरा ही हाथ लगने की वजह से साइड में से थोड़ा डैमेज हो चुका है, लेकिन हम इसको इसी में सेट कर लेंगे। सबसे पहले स्क्रैपर से हम केक की साइड्स को कवर कर लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ से केक ख़राब हो रहा है। तो हम उसके जो किनारे हैं इवन कर लेंगे छुरी की मदद से। कोई भी ब्रेड नाइफ़ ले लीजिए या सिंपल नाइफ़ ले लीजिए, ब्रेड नाइफ होगी तो उससे ईजीली आपके किनारे हमवार हो जाएंगे। अब हमने एक पाइपिंग बैग में चॉकलेट गिनाश फिल कर ली थी, अब हम उससे इसके पूरे केक के साइड्स में हम चॉकलेट गिनाश लगा लेंगे। अगर आप पाइपिंग बैग में भर के इसको चॉकलेट गिनाश लगाएंगी तो बहुत अच्छा होगा, आपका केक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ध्यान रहे कि ये काम जल्दी का नहीं है, बल्कि बहुत सब्र के साथ आपने ये मरहला तय करना है। अभी देखिए हम नाइफ जो हमने चॉकलेट गिनाश के ऊपर लगानी है वो बहुत हल्के हाथ से लगानी है। अगर हमने इसके ऊपर ज़्यादा ताकत के साथ नाइफ इस्तेमाल की तो वहीं से हमारा जो केक है, क्योंकि चॉकलेट मॉइस्ट केक है, तो वो नाइफ के साथ ही बाहर आ जाएगा। अब ये देखिए मैं यहाँ पर स्क्रैपर इस्तेमाल कर रही हूँ उसकी साइड्स को हमवार करने के लिए। जहाँ जहाँ हमें खाली जगह नज़र आ रही है अब वहाँ वहाँ हम चॉकलेट गिनाश लगा रहे हैं नाइफ की मदद से। अब हम इस केक को थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे स्क्रैपर से, एक दफ़ा इसको स्क्रैप करने के बाद। अब देखिए हमने 20 मिनट बाद इसे निकाला है, फिर थोड़ा हार्ड हो गया है। अब हम नाइफ से जहाँ जहाँ हमें होल नज़र आएंगे या ऐसी जगह जहाँ पे चॉकलेट सही से नहीं लगी, हम वहाँ पे दोबारा चॉकलेट लगाएंगे। ये हम अमल हमें 2 से 3 बार करना होगा कि इसे बार बार फ्रिज में रखकर सेट करना होगा और बाहर निकालना होगा। देखिए अब फिर हम इसके ऊपर यहाँ पर स्क्रैपर का यूज़ करेंगे। अब ये देखिए मैंने एक बर्तन में गर्म पानी ले लिया है और अपने हम स्क्रैपर को और नाइफ को हम इस गर्म पानी में डुबो देंगे ताकि हमारा स्क्रैपर ये नाइफ जो है गर्म हो जाए। उससे फिर ये जो हमने केक अपना फ्रिज में रखा हुआ था, ये इसकी चॉकलेट बहुत सख्त हो गई होगी, तो वो ये जो गर्म हमारा स्क्रैपर ये नाइफ होगा ना, उससे ये बहुत अच्छे से हमवार हो जाएगा साइड्स में से और ऊपर से भी। इस टेक्निक के जरिए आप अपने चॉकलेट को बहुत अच्छा सा लुक दे सकती हैं, अपने चॉकलेट केक को बहुत अच्छा फिनिश लुक आएगा। इसके जो किनारे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होंगे, क्योंकि सब पूछ रहे होते हैं कि शार्प एजेस किस तरह बने, तो ये बड़ा सब्र का काम होता है। बहुत बार केक को बार बार फ्रिज में रखना होता है, स्क्रैपर से बार बार उसको स्क्रैप करना होता है, फिर कहीं जाके आपको शार्प एजेस हासिल होते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। देखिए हमने अपना केक बेस को साफ कर लिया है, अब हम फिर इसके किनारों को हमवार कर रहे हैं। हमवार करने के बाद भी मुझे कहीं महसूस होगा कि यहाँ पे चॉकलेट की ज़रूरत है तो मैं वहाँ पर दोबारा चॉकलेट लगा दूँगी। अभी भी देखिए मुझे इसमें काफ़ी जगह महसूस हो रहा है कि वहाँ पे गड़े हैं या गैर हमवार सतह है, तो मैं वहाँ पे दोबारा चॉकलेट लगा दूंगी। तो आपने भी इस तरह बार बार करना है, जब कहीं जाके आपके केक पे स्मूथ लुक आएगी और जब आप इसे फॉन्डेंट से कवर करेंगी तो ये केक खूबसूरत लगेगा। और अगर आपने जगह जगह गैर हमवार सतह छोड़ दी तो आपका जो केक है वो अच्छा नहीं लगेगा। अभी देखिए मैं एक दफ़ा और स्क्रैपर को गर्म पानी में डुबोने के बाद केक को स्क्रैप कर रही हूँ।
अब ये देखिए हमारे परफेक्ट शार्प एजेस वाला जो केक है वो रेडी हो गया है। इसको 40 मिनट्स हमने अब फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में रखना है, और फिर ये फॉन्डेंट कवरिंग के लिए रेडी होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।